वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा फिर एक बार दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ के पास बाराबंकी और एक क्यूरिंग टावर की इंस्टॉलेशन पर चूंकि थंबनेल कुछ और कह रहा है तो बात थंबनेल के रिगार्डिंग ही करूंगा कि यूट्यूब के भरोसे लिथियम व्यापार में ना जाए। ये बिल्कुल सच्चाई है कि जो अधूरे ज्ञान से काम करता है वो ना केवल फाइनेंशियल लॉसेस बुक करता है और तरीके के भी नुकसान वो साथ में बुक करते ही करता है। लिथियम भी उनमें से कुछ एक है। यूट्यूब पे जितने भी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं लिथियम को लेके कि आप हमसे प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, सेल्स परचेज कर लीजिए या बैटरी खुद से बना लीजिए, उनका केवल मकसद दो चीजों को लेके है। पहला, अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स पाना, दूसरा अपने कुछ प्रोडक्ट सेल कर लेगा। बट दोस्तों, उनके कहने पे बिना किसी नॉलेज को लिए, बिना किसी केमिस्ट्री को समझे अगर आप उस सेगमेंट पे जाते हो तो आप एक ऐसा हाईली इन्फ्लेमेबल, हाईली एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट बाय कर ले रहे हो जिसकी कंट्रोलिंग आपके हाथ में नहीं है। जैसा कि आप देखते हो एनएमसी सेल्स की बैटरीज में आए दिन लोग सुनते हैं कि आग लग जाती, तो गलती एनएमसी सेल की नहीं होती, गलती उस फैब्रिकेटर की है जो कि उसको अनअलाइंड वे में काम करके आपको दे रहा है। चार या पांच बिंदु हैं जिस पे कोई बात नहीं करता और वो बैटरी पैक आपको सेल कर दी जाती या बैटरी पैक का सामान। केवल यूट्यूब के भरोसे लोगों ने काम शुरू कर दिया। पहला लॉस, आपको नहीं पता कि आप जो परचेज कर रहे हो वो नया है कि पुराना है, आपको टेस्टिंग आती ही नहीं है और ना वो बताने वाला है क्योंकि उसने भी यूट्यूब को देख के ही सीखा है। दूसरा लॉस, एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है लिथियम में। अगर माइनर सा भी कोई एरर हुआ तो वो बैटरी पैक ब्लास्ट कर जाएगा। तो ऐसा समझिए कि आप एक टाइम बम परचेज करके ला रहे हो अपने घर के लिए या अपनी ई व्हीकल के लिए जिसको आपने खुद डिजाइन करा है। मजे की बात है ना कि आप एक प्रोडक्ट परचेज करके लाए जिससे आपका ही नुकसान होने वाला है क्योंकि उसकी नॉलेज हमें नहीं है। तीसरा लॉस, अगर आपने वो प्रोडक्ट खरीदा और खरीद के बनाया और उसको कहीं बेचा, उसका रिस्क फैक्टर भी आपके ऊपर आ गया। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, केमिस्ट्री समझने के लिए उसकी चार पांच बिंदु हैं जिसपे मैं बात करूंगा इस वीडियो में और समझाऊंगा आपको कि क्या क्या जरूरी है। लिथियम अल्टीमेट प्रोडक्ट है, काम करिए कोई दिक्कत नहीं है, पर किन किन प्रिकॉशंस के साथ करिए वो समझने की बात है। पहला, बैटरी सेल की पहचान आपको होनी चाहिए, उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन आपको होनी चाहिए। सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, बैटरी स्कूल अकेला नहीं है जो इसकी नॉलेज आपको दे रहा है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे आप इसकी नॉलेज ले सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है, वहां से वो नॉलेज ग्रैब कीजिए। बैटरी के सेल की लाइफ, उसकी टेंडेंसी, उसकी वर्किंग, उसकी टेम्परेचर एफिशिएंसी, वो सब समझिए। लिथियम में सबसे बड़ा फैक्टर होता है थर्मल रनअवे का। थर्मल रनअवे जो शब्द है वो कुछ ऐसा है कि आग को फैलना, आग को फैलाने के लिए जो फैक्टर्स काम करते हैं वो थर्मल रनअवे में आते हैं। यानी कि लेडसेट में क्या होता है कि अगर कहीं कोई स्पार्क हुआ तो वो बैटरी वहां से बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, पर आग नहीं लगेगी। इसके उल्टा लिथियम में क्या होता है कि अगर कहीं पर थर्मल मतलब टेम्परेचर जनरेट हुआ और वो चीज ब्लास्ट हुई तो उसके बराबर वाली ऑटोमेटिकली वो फट जाएगी और आग पकड़ लेगी, आग को फैलाने में और सहायक हो जाएगी। तो ये थर्मल रनअवे वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रिजर्व करते हैं। इसके लिए तीन फैक्टर काम करते हैं, बैटरी का बैलेंस होना, आपके सेल्स का प्रॉपरली चार्ज पे कट ऑफ होना, लो बैटरी पे बीएमएस का कंट्रोल होना, यानी बीएमएस अगर खराब हो गया तभी भी आपकी बैटरी खराब हो सकती है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान में रखते हुए कुछ मशीन्स आती हैं जिसमें पहला है बैलेंसर, यानी कि बैटरी अगर आप पैक बनाते हो तो आपके पास बैटरी बैलेंसर का होना बहुत आवश्यक है। बैटरी बनाने से पहले, यानी बैटरी पैक बनाने से पहले सेल्स को बैलेंस कर लीजिए,
सेम आईआर सेम वोल्टेज के सेल से बैटरी पैक बनाना है वो सीखना पड़ेगा। किसी के कहने से वो चीज नहीं आएगी, उसको प्रॉपरली बैलेंस करके बनाने का तरीका होता है, उसको आप सीख लीजिए। दूसरा, जब बैटरी पैक आपने बना लिया तो एक एजिंग मशीन आती है जिससे आप उसको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करके जितने भी थर्मल प्रोस्पेक्ट्स हैं जहां पर हीट जनरेट हो सकती है चार्जिंग में आइदर डिस्चार्जिंग में, उसको आपको कैप्चर करना है। इसके लिए थर्मल स्कैनर आते हैं, टेम्परेचर स्कैनर आते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। एजिंग मशीन होनी चाहिए, हाईली एफिशिएंसी, ना केवल मतलब ये नहीं चार्जिंग डिस्चार्जिंग किया और काम हो गया, इसके लिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी है यानी कि C3 रेटिंग की ही बैटरी मशीन आपके पास एजिंग की होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम चार्जिंग इनपुट मैक्सिमम चार्जिंग करंट आउटपुट, यहां पर जो आप चेक कर पाए वो चीज बात हो रही है। बैलेंसर हो गया, एजिंग मशीन होगी, थर्मल स्कैनर हो गया। इसके बाद में आती है पॉटिंग, केमिकल्स के जो पॉटिंग होती है, पुटिंग बोलते हैं जिसको बेसिकली, कि आप बैटरी को फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ कैसे बनाएंगे, जो थर्मल रन अवे वाले चांसेस हैं उसको भी आप खत्म कर पाए। तो ये चार पांच कॉन्सेप्ट हैं जिनके बिना बैटरी में करना काम घातक है, फाइनेंशियल लॉसेस भी हैं और उससे भी ज्यादा जान जोखिम में कहते हैं ना, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे बैटरी स्कूल के व्यूअर से एटलीस्ट, कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिसमें नॉलेज ना हो, और खासकर यूट्यूबर्स के भरोसे तो बिल्कुल भी ना करें। कहने को कह सकते हैं कि मैं भी एक यूट्यूबर हूं, पर मैं एक इंडस्ट्री रन कर रहा हूं, मेरे पे जिम्मेदारी है। पिछले 22 वर्षों से हम लोग बैटरी में काम कर रहे हैं और हमारे भरोसे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत सारी चीजें अडॉप्ट भी करती हैं, इम्प्लीमेंट भी करती हैं। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत ध्यान से लिथियम को शुरू करें। हाँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा आप इसमें पैसा बना सकते हो, एफिशिएंसी अच्छी है, पर नॉलेज के साथ करिए, जैसा कि मैं लेड एसिड इंडस्ट्री के बारे में बोलता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, और जो इंस्टॉलेशन करने हम लोग जा रहे हैं उस इंस्टॉलेशन की वीडियो भी मैं इसके बाद आपको दूंगा। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और लिथियम के ज्ञान को बेकार ना समझे। मैं जो आपको लीड कर रहा हूँ वो पॉजिटिव वे में कर रहा हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा। कुछ मशीन्स, कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ नॉलेज लेके काम को करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद।